खबर धार से है, जहां जिले के बाग विकास खंड की ग्राम पंचायत पीपरी से मतदाता जागरूकता का उदाहरण सामने आया है। ग्रामीणों ने मत का महत्व समझते हुए सकारात्मक सोच के साथ पंचायत चुनाव में भागीदारी की। इस आदिवासी क्षेत्र में सरपंच पद के एक प्रत्याशी से मतदाताओं ने नोट तो ले लिए, लेकिन वोट अपनी मर्जी से ही डाला। ये रिपीट बताया जाता है कि प्रत्याशी पहले सरपंच भी रह चुका है। 25 जून को हुई मतगणना में जब वो अपने प्रतिद्वंदी से पिछड़ गया तो अपने रुपए वापस मांगने ग्रामीणों के बीच पहुंच गया, जिस पर जागरूक मतदाताओं ने उसके कार्यालय में लोगों की उपेक्षा का आरोप लगाया और विभिन्न गलतियां भी गिनाई। ये पूरा मामला एक वीडियो के इंटरनेट मीडिया पर देखे जाने के बाद सामने आया है, जिसमें पंचायत चुनाव में पिछड़ा प्रत्याशी मतदाताओं से अपने नोट वापस मांगने पहुंचा, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हकीकत के इर्द गिर्द रही। चौपाल पर आदिवासी युवा मतदाताओं के साथ बुजुर्गों ने पंचायत चुनाव में पिछड़े पूर्व सरपंच को खूब खरी खोटी सुनाई। मामले में मतदाताओं का कहना था कि हमने वोट के लिए नोट नहीं लिए, बल्कि खर्च करने के लिए 500-500 रुपए जो दिए थे हमने उसे खर्च कर दिए। इस बीच ग्रामीण और सरपंच के बीच का तू-तू मैं खूब सामने आया है। दोनों पंचायत में अलग अलग मुद्दों पर लेके बात कर रहे हैं, जिसमें ग्रामीण सरपंच के किए गए कार्यों की पूछताछ कर रहे हैं। वहीं ग्रामीणों ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि अब पुलिस थाने जाओ और शिकायत करो कि मैंने नोट दिए और वोट नहीं मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट। राजा है ले गाड्रापुरा में 8 वोट आया का। अब चे आदमी कहाँ गए हमरे तो हम तो अर्जुन करे भतला पर। हाँ तो 250 वोट गाड्रापुरा में कहा नहीं आया तार तरफ, नहीं तो चे तार तरफ कहा नहीं आया। ये हमारे नहीं आए तो वो भी नहीं दिए, क्योंकि वोट सिंगले तो विजेता हो। ये गलती पहले 5 साल चुनाव करिए, मारे बात 5 साल चुनाव करिए, बात दाड़न दाड़की नहीं है। देखो सुनो मेरी बात, यहाँ पे जेसीबी मशीन चल रही थी और मैं गया था तो मजदूरी लगाओ, तो आपने क्या बोला पूरी दुनिया में मशीन से काम चलता है, तो मैं क्यों करवा रहा हूँ, तो आज भी मशीन से ही वोटिंग करवा लो ना, हमारी क्या जरूरत थी भाई। ऐसे तो बता देना था भाई, मशीन से करवा लेना, करके तल्ली पकड़े करके दे देते। 5 साल हो गए, किसी को भी सरपंच बनाओ, खुद अपना मकान बनाते, ट्रैक्टर खरीदते, अपना पहले परिवार में सोचते, कोई जनता का नहीं सोचते, गाँव में विकास करने का कोई नहीं। 10 साल किला सरपंच को दिए, उसको राज उसने बाग में मकान बनवाया, ट्रैक्टर खरीदा, मांगलिक भवन बनवाया, मकान बनाया, आज उसकी स्थिति देख लो, पूरी सपोर्ट कर, आज उसकी स्थिति देख लो, वही हालत है दूसरों को भी। ये मैं कहूँ कि और ये पैसे तो मिलेंगे ही नहीं, ये पैसे तो मिलेंगे ही नहीं। आपने खर्च करने के लिए दिए, पैसे खर्च हो गए, वोट देंगे करके दिए मैंने।